यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बोला था कि अंडरग्राउंड बेस बनाएंगे, पूरे एंटायर आइलैंड को अंडरग्राउंड कवर करेंगे। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको हमने जो बनाया नहीं है, इसको हम थोड़ा डेकोरेट कर दें। डेकोरेट मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम अंदर थोड़ा डिजाइनिंग कर दें, और थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ तो अगर टाइम बचा तो। अब मैंने जैसे ऑफ कैमरा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा माइनिंग वगैरह भी किया है, सब कुछ किया है। तो सबसे पहले तो मैं वो, अरे यार, क्राफ्टिंग टेबल फिर से ऊपर ही रह गई। सैंड ले लेते हैं, मैं सैंड लेके आया हूँ, हमें ग्लास बनाने हैं सैंड से। तो क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है हमारी? ये रही, क्राफ्टिंग टेबल ले ली। फिर शवल कहाँ गई मेरी यार? ये रही ना, शवल से ये तोड़ते हैं यार। दिखना भी तो अच्छा चाहिए ना, दिखेगा नहीं तो यार फिर को मजा ही नहीं आएगा। और सब्सक्राइब नहीं ठोका अभी तक, सब्सक्राइब ठोक दो जिसने भी। तो सबसे पहले तो क्राफ्टिंग टेबल को पुट करते हैं यहाँ पे, बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे, यार मैं वो भूल गया, वो कैसे बनाते थे यार? मैं ऐसे ही बनाते थे शायद। नहीं, कोई यार मुझे याद नहीं आ रहा। फर्नेस बनाते कैसे थे? एक नहीं था बीच में यार, ऐसे याद तो था यार। फर्नेस एक रख देता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर डालते हैं सैंड, डालते हैं कोल, एक और फर्नेस बना ही लेते हैं यार। 46 नहीं बनाने, ठीक है एक और रखते हैं यहाँ पे। इसके अंदर भी डालते हैं कोल। ये और कुछ थोड़ी है अपने पास, मेरे को वो भी तो मिला था यार, आयरन। हाँ आयरन भी है मेरे पास, आयरन को भी मेल्ट करना है। पहले इनको जान दो, फिर आयरन को मेल्ट करते हैं। जब तक मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखो एक साइड से सीढ़ी आएगी, कहीं से भी आ जाए। मान लो यहाँ से स्टेयर्स आ रही है, तो थोड़ा ऊपर नहीं हो गया क्या यार? कितने हैं? एक दो, सही है यार, वैसे इतना बुरा नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ से ये लगाना चालू करते हैं, ठीक है? वो गलत लग गया। अरे यार ये ऐसे नहीं लगेगा, इसको बाउंड्री बना लेते हैं। देखो पहले ऐसे, ओ गलत लग गया, शिट। ये सही है। अब ये ऐसे, अरे ये भी गलत लग गया। अरे यार ये यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है यार। इसको ऐसे लगाते हैं यहां से, फोन भी तो लगाने थे यार फर्नेस के अंदर यार, मेन तो स्टोन ही थे। कोई नहीं, स्टोन इसको बनने दो, ये एक रख लो, इसकी जगह ये रख दो। स्टोन बनने दो यार, स्टोन ज्यादा जरूरी है अभी यार, ठीक है? स्टेयर्स लाते हैं यहाँ से, है ना? तो स्टेयर्स के लिए अपने पास वुड है ही। वुड की लाएं या फिर स्टोन की लाएं? यार मैं सोच रहा स्टोन की ज्यादा सही लगेगी, है ना? अभी टेम्पररली वुड की बना देते हैं, स्टोन की बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा यार। और ये तो इसको तोड़ दूंगा मैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लगा दो एक बार ये, फिर लगा दो ये, और इसको मैं सोच रहा हूँ कि सैंड लगा दूँ। सैंड जल्दी टूट नहीं यार, सैंड तो फिर हवा में थोड़ी रहेगी। डॉट लगा देता, डॉट लगाता हूँ, और एक स्टोन है, ये भी चाहिए मेरे को, ठीक है? इसको हटाया, इसको हटाया, ठीक है? अब सैंड लगाई नीचे, ये ऊपर लगा के देखो क्या यहाँ पे। हाँ लग गया ना, बोला ना एक ही बचा। तो अब ये लो, इसको यहाँ रखो। तो इन दोनों को तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, ठीक है? अरे यार, हाँ तो गाइस, नई सुबह, नया वक्त, नया काम, जो बचा है कर लेते हैं अब। जैसे कि अब क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है, हमने ये कर दिया। हमें अब क्या करना है, ऊपर ये लगाना ही पड़ेगा यार, ये तो लगाना पड़ेगा ना यार। कम पड़ेगा तो देख लेंगे, तक के लिए ऐसा करते हैं। स्टोन है ना अपने पास यार, जो हुआ है उसको तो लें, ये लें स्टोन, ठीक है? इसमें ग्लास भी होने वाले कंप्लीट, बहुत है यार। कितने ग्लास हो गए? 64। अरे यार 64 तो बहुत है, ठीक है 64 ग्लास हो गए। और क्या चाहिए अपन को? एक और ग्लास होने वाला है, फिर हम इसके अंदर स्टोन रख देंगे। स्टोन
स्टोन ज्यादा जरूरी है, स्टोन बहुत सारे चाहिए। ठीक है, ये तो रख लिया, चलो मान लें इस चीज को तो रख ही लेते हैं। और इसके अंदर मैं और स्टोन डाल देता हूँ। ठीक है, ये जितने हो जाए वो सही है। और वो मेरे को वो बनाना है, अब क्या बोलते हैं ये बनाना है, ये जितने हो सकते हैं बन जाए। अब ये इनके बीच में फिल करना है। ठीक है, तो करता हूँ मैं, चलो। हाँ तो गाइज मैंने पूरा कर दिया इसको, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर दिया इसको, जितना हो सकता था मैंने पूरे स्टोन स्लैब लगा दिए। ये अभी भी काम कर रहे हैं, स्टोन बच भी गए कुछ, देखो ये रे स्टोन। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करें, अब यहाँ इसको हटा देते हैं, रुको। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी एक लग गया था मुझसे गलती से, सोने जा रहा था तब की बात है। ठीक है, यहाँ पे लग गया, और मैंने इसको देखो ये क्रेव कर दिया, क्रेव बना दिया इसको पूरे। ठीक है, ये ज्यादा, अरे यार ये उल्टे लग गए, कोई नहीं उसको बाद में सही कर देंगे। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पहले तो वो लगेगा, क्या बोलते हैं, लीव्स लगा देंगे, लीव्स के ऊपर स्टोन के स्लैब लगा देंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा एक्वेरियम बना दें, है ना। सबसे पहले एक्वेरियम बनाने के लिए तो इसको थोड़ा एक और बार डिक करना पड़ेगा, आगे कास्ट तो लगेगा ही। ठीक है, अरे यार पीछे वो भी नहीं है क्या, उसको भी लगाना पड़ेगा यार। कितना, हाँ तो गाइज वेलकम बैक। अब देखो ये कितना तगड़ा लग रहा है यार, देखो यहाँ पानी डाल दिया, एक्वेरियम बना दिया, अंदर तो कभी कुछ होगा तो डाल देंगे। अच्छा लग रहा है वैसे यार ये पानी, अच्छा नहीं लग रहा, क्या बताओ, कमेंट में जाके बताओ कैसा लग रहा है। और अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी एक फाउंटेन की जरूरत है नहीं, पहले हम बेड की जगह देखते हैं अच्छी खासी, और बेड लगाते हैं यहाँ पे, बेड लगेगा यहाँ पे। ठीक है, आते ही सोना है क्योंकि, तो बेड लग गया यहाँ पे, तीन बेड एक साथ लगाएंगे मस्त लगेगा। अब अपन बना लेते हैं चेस्ट। चेस्ट बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए भाई, मैंने अभी तक चेस्ट बना ही नहीं है, बताओ माइनक्राफ्ट में जितनी बन सकती है बना दो यार। अपन को चेस्ट रखनी है यहाँ पे, ये लगती चेस्ट एक तो, ठीक है ये भी रख दी, अरे यार ये तो कम पड़ गई, और बना लेते हैं यार, और बनाने के लिए, अरे यार वुड ही नहीं है यार, शिट, वुड की तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है यार सही में यार। हाँ तो गाइस देखो मैं वापस आ गया हूँ ये वुड काट के, और ये थोड़ा स्टोन भी लेके आया हूँ क्योंकि फर्नेस भी बनाने पड़ेंगे हमको। मैंने इसके अंदर वो भी तो रखा था, और आयरन हो गया यार, पहली बार आयरन बनाया इसके अंदर मैंने। और ये बनेगा, अब मैं बनाऊं सबसे पहले ये तो बाद में बनाते रहेंगे आयरन का, ये बनाना शीयर तो बनाना पड़ेगा ना मेरे को, एक शीयर बना लेते हैं, मेरे को शीयर चाहिए क्योंकि, और मेरे को चाहिए सबसे पहले तो इसको, इसके अंदर रखते हैं यार, लो जितने बन सकते हैं ये बना दो पहले तो, जितने भी बन सकते हैं बन गए सारे के सारे। अब उनको बनाना पड़ेगा, एक चेस्ट बना लेते हैं पहले, आठ बहुत होगी मेरे हिसाब से, 10 बना लेते हैं, 10 बहुत है, 10 चेस्ट बन गई। अब फर्नेस बनाना है ना, फर्नेस के लिए क्या रेसिपी थी, फर्नेस की रेसिपी मेरे को याद है, यही थी शायद, हाँ हाँ यही थी, ऐसे ही बनेगा ना फर्नेस, हाँ फर्नेस ऐसे ही बनेगा। तो अब फर्नेस बनाने के लिए फर्नेस की यार यही तो होगी, डायरेक्ट बन जाएगा यार वो, फालतू में नाटक नहीं करना पड़ेगा मुझे, ऐसे बहुत नाटक करना पड़ेगा। ये रहा जितने बन सकते हैं बना दिए, हैं दो ही फर्नेस कैसे बने, हाँ हाँ छः बन सकते हैं, आठ बन सकते हैं, बहुत है आठ। चलो अब इनको तोड़ते हैं पहले, चलो यार ये एक्वेरियम अच्छा लग रहा है लेकिन, यार कुछ ही बोला है, मस्त लग रहा है एक्वेरियम, है ना, पानी लहरता हुआ कितना तगड़ा लग,
सो यो गाइस बन चुका है यार, बहुत टाइम लगा इसमें सच में मेरे को। अभी बताऊंगा क्यों टाइम लगा है, क्योंकि भाई क्या ही बताऊं। अब चलो मैं आपको लुक दिखा देता हूँ फाइनल। चलो यार देखो रोशनी यहाँ तक आ रही है यार, ये बनाया यार कितना तगड़ा लग रहा है। आप बताता हूँ टाइम क्यों लगा। ये जो नीचे कारपेट दिख रहा है ना आपको, ये मैंने यहाँ पे जितनी भी शीप थी ना उनको पहले ब्रीड कराया, फिर वो करा वो कर, यार सही में इसमें बहुत टाइम लगा है। उसके बाद मैंने ये लैंटर्न, मेरे पास जितने भी आयरन था ना उसका सबका मैंने लैंटर्न बना दिया। मैंने अभी तक देखो मेरे लिए ये नहीं बनाया, ये नहीं मैंने मेरे लिए वो नहीं बनाया, क्या बोलते हैं, चेस्ट प्लेट, ये सब बनाया नहीं अभी तक। और हाँ मैंने कुछ चेंजेस किए, जैसे देखो नीचे मैंने ये यहाँ पे लैंटर्न ही लगा दिए सब जगह। इससे क्या रोशनी भी जाएगी थोड़ा और अच्छा भी लगेगा। अब जैसे देखो मैं आपको दिखाऊँ, अभी सोचो सिर्फ यहाँ बना है अपन, ये चीज पूरे आईलैंड पे करने वाले, अलग अलग चीजें बनाने वाले हैं, फार्म्स भी अंडरग्राउंड होंगे। आप सोचो कितना तगड़ा लगेगा। तो सब्सक्राइब ठोक दो यार जल्दी से यार। और मैं आपको एक और चीज, और चीजें दिखाता हूँ जो मैंने करी है इसके अंदर, चेंजेस करें। देखो मैंने इधर तो पूरी जगह यही लगा दी है, मैं इसका बैकग्राउंड अच्छा करूंगा यार इसका थोड़ा, ठीक है। और तो मैंने ये अंदर लैंटर्न लगाए हैं, मैंने ये पूल थोड़ा ऐसे ही बनाया यार, ज्यादा ठीक नहीं बना ये फाउंटेन। अब जैसा है ये ऐसे ही बनना है तो चेंज करेंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्वेरियम बना दिया है, मैंने कैल्प लाके लगा दिए हैं यहाँ पे, और ये हमारी चेस्ट है। कैसा लग रहा है यार, कमेंट में जाके जरूर बताओ कि इसमें और क्या कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सजेशन दो, बताओ यार। देखिए देखो ये मेरे को लग रहा है कि अभी भी स्पेस खाली है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ये तो हो गया, अब इसके बाद अपन सबको कनेक्ट करके, मतलब ऐसे अंडरग्राउंड एक कुछ, जैसे मान लो कोई फार्म बनाया अपन ने, वीट फार्म ही बनाया, तो यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद उसको कनेक्ट कर देंगे इससे। कनेक्ट कर दिया और मतलब ऊपर से जैसे ये दिख रहा है ना ऊपर से, वो भी ऐसे ऊपर से दिखेगा। तो सोचो यहाँ पे इतनी रोशनी हो रही है, पूरा आइलैंड जब रात को चमकेगा क्या चीज लगेगी यार। तो जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो, जिसको अच्छा लगा कमेंट में जाके बताओ, और कमेंट में बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, क्या क्या चीजें लगा सकता हूँ इसके अंदर। क्योंकि यार ये व्हाइट कारपेट और ये वूल कलेक्ट करने में तो बहुत हालत खराब हुई है, मेरे को शीप ब्रीड करनी पड़ेगी, शीप फार्म बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, कमेंट में जाके बताओ कि मुझे और इसमें क्या करना चाहिए, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरी वीडियो आती है आपको पता चल जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।